हाँ जी प्रधान साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है भाई, और क्या हाल है? ठीक हो? बस सब आशीर्वाद है आपका। अच्छा, गल सुनो, परसों गुरुद्वारे जड़ी जनरल मीटिंग तो पता है? हाँ बिल्कुल, मीटिंग बुलाई थी आपने, खबर मिल गई थी जी। ओ जड़ा है वे, इस बार जड़ा है वो मेरा जड़ा ऑब्जेक्शन बड़ा हो रहा है। अरे ऑब्जेक्शन वगैरह सारे देख लेंगे, क्यों चिंता वगैरह, वो छिंदा वगैरह मैनेज करना। अरे छिंदे छिंदे सारे देख लेंगे, लेकिन आपने पिछली बार हमारा कुछ खास ख्याल रखा नहीं था। तेरा मैं ख्याल रखांगा इस बार, तो टेंशन ना ले। देख लीजिए प्रधान साहब, बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। मैंने ध्यान रखूंगा तेरा। अरे आप तो ध्यान रखेंगे, लेकिन वहाँ फिर हिंदी वाला मैटर उछल जाता है कि इनको पंजाबी बोलनी नहीं आती। ओ मैं पंजाबी अभी तेरी देख लूंगा, तो पंजाबी की टेंशन ना ले, तू आ जाइए बस। पक्का ख्याल रख लेंगे ना मेरा, तू आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात ना हो फिर, बाकी हम आपके साथ बिल्कुल जी जान से लग जाएंगे। हाँ तू आ जाइए कल, मैं चलिए ठीक है। सात संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमने एक जनरल मीटिंग बुलाई है जो अगला प्रधान नियुक्त करने के लिए हमने बुलाई है, और हमारे भूतपूर्व प्रधान जसवीर सिंह गोल्डी, मैं चाहूँगा संगत से आशीर्वाद लें फतेह बुलाकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, इनका पहले का कार्यकाल जो है बहुत ही चढ़दी वाला रहा है, और आगे भी मैं चाहूँगा कि इनका नाम जो है नियुक्त हो और आगामी प्रधान इन्हीं को बनाया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बहुत ऊंचे आचरण वाले बंदे हैं, बहुत चढ़दी। जी वीर जी, बड़े नित्ते भी बंदे ने, मैंने ना रोज सवेरे गुरुद्वारे आंदे वेखे है। प्रधान साहब पूरी तैयारी रखो, प्रधान दोबारा बनना है आपने, आपका किला फिर फतेह हो जाना चाहिए इस बार। जिसना संगत कहेगी उसना हो जाएगा, और की करिए, संगत जिसना आदेश करेगी उसना बढ़ाएंगे फिर। अरे प्रधान साहब आप तैयारी रखो, बस आपको ही। वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधान साहब एक बेनती थी थोड़े अगे, असी परसों रोज गुरुद्वारा साहब एक बच्चे का गुरमत कॉम्पीटिशन कराना है, जिसे बच्चे ने पाठ करेंगे ते तुहाड़ी जज की सेवा ले लैनी है। सी जज की सेवा? यार पाठ पूठ यार साडा किते डिपार्टमेंट है यार, पाठ पूठ असी यार एक काम करना, मैं ग्रंथी नूं भेज देना पाठ वास्ते ना, वो जज अज बन जाएगा। ओए बुलाई जरा उन्हों, ग्रंथी नूं बुलाओ परू, ते वो जो है वो कर लेगा तुहाड़ा जज, ते बाकी जड़ा है इनाम हम देना, सानू बुला लेना, इनाम असी दे देंगे चल के, थोड़ा मीडिया डे बुला लेना, इनाम देना असी आ जाएंगे, ठीक है। बाकी पाठ थोड़ा सानू इन्ना बेटा थोड़ा ज्ञान जरा घट है ना, है ना, वो ग्रंथी कर लेगा काम, ठीक है, इनाम देना सी, ठीक है। चलो हाँ जी, कितने रह गए सी? चाह पी रहे? चाह बड़ी पीना थी यार, है इन्नी चाह ना पिया करो, तुरंत आया करो। ए बच्चे आए ने, ए कोई कंपटीशन है पाठ उठ के करना, इन्होंने पता नहीं जो भी है इन्हों का सिस्टम, तो तुम जज बनना है, जरा चला रही है उसे, हैं परसों जाना है, चला रही परसों, हैं हाँ चलो चलो। अब मैं चाहूंगा कि जसबीर सिंह गोल्डी जी का नाम एक बार फिर प्रधानगी के लिए नियुक्त किया जाए, मैं इनका नाम प्रपोज करता हूं, और मैं चाहूंगा कि ये संगत से आशीर्वाद ले एक जयकारे। एक मिनट वीर जी, हरप्रीत वीर तू केहो जी गल्ला कर रहे मेरे वीरे, ए केड़े चढ़दी कला वाले बंदे ने, तू आप तेने दी पार्टियां च महफिलां च जाके इंजॉय करता रहा है, ते दमन वीरे तू कह रहे हैं नितनेमी बंदे ने, अमन भरा जरा दसी, एक हफ्ते पहला असी इन्हों लैन गए सी कि वीर जी तुहानू असी जज बनाना है सिर्फ जपजी साहब दे कंपटीशन विच, इह बंदे नू जपजी साहब दे बारे नहीं पता, ए की गुरुद्वारा चलाएगा? अवनीत भाई अब गुस्सा मत करो, बाद में बैठ के आराम से बात कर लेंगे। मेरे वीरे कोई बाज करण वाली गल्ला थोड़ी है ने, संगत विच करण वाली गल है, असी बाज गल क्यों करांगे मेरे वीरे, संगत दी गल है, गुरुद्वारे दी गल है, तू कह रहा बाज कर लो। अवनीत वीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिहो जिहा प्रधान ते उहो जिहा उहदे समर्थक, देखो जरा जिन्ने हाथी कलावां बनियां, मूंह चिंदी हैगी, दाढ़ी रंग दे, उहो जिहे सपोर्टर हैगे इन्हां दे। बिल्कुल सही गल कीती, दसो जिहो जिहे बंदे ते उहो जिहे उहनां दे समर्थक। हां गगन वीर जी तुसीं बिल्कुल सही गल कर रहे हो, नाले एक गल मैं होर दे विच ऐड करना चाहवांगा कि तुहानूं इह वी नहीं पता कि किहो जी इह इज्जत करदे ने गुरु घर दे वजी इहनां दी, असीं आप वेख्या क्यों अमन वीरे? अवनीत भाई आज बहुत बेइज्जती कर दी आपने हमारी, कैसे ले बुलाते हैं आप हमें मीटिंग में, आपको पता हमारी समाज में कितनी इज्जत है, ऐसी मीटिंग में हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, ये क्या मजाक लगा रखी है आप लोगों ने, आपको पता बाजार में समाज में मेरी कितनी वैल्यू है, क्या आप लोग अपनी कलावे की कभी किसी की बात करते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी है क्या आप, देख लूंगा कैसे गुरुद्वारे चलाते हैं आप, बड़े हैं ज्ञानी। सात संगत जी
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੋਲੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਧਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੂੜ ਦੇ ਅੰਧੇਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਦੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਏ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਵਨੀਤ ਵੀਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੋਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਈਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉਂ ਪਾਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਮੁਸੈ ਮਤ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਗੂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗੂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਛੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।